हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के यूट्यूब चैनल में। और हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन की प्लेयर सब के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो बात करते पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेड्स के मैच के बारे में। तो बिग बैश सीजन 13 का मैच नंबर 15, जिसमें एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स तो दूसरी तरफ मेलबोर्न रेनेगेड्स है। यह मैच 26 दिसंबर को पर्थ स्टेडियम में होगा। ये इन दोनों टीम का सेकेंड मैच है इस सीजन एक दूसरे के अगेंस्ट। तो दोनों का पहला मैच कैंसिल हो गया था, उसके बाद टीम ने जबरदस्त कम बैक करते हुए लगातार दो मैच में मेलबोर्न स्टार्स और हॉबर्ट को हराया। अब टीम का मुकाबला फिर से मेलबोर्न रेनेगेड्स से है। तो टीम पॉइंट टेबल में 3 पर है, और तो दूसरी टीम मेलबोर्न रेनेगेड्स का बहुत बुरा हाल है। टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। तो टीम चार मैच में 3 मैच हार चुके हैं। पॉइंट टेबल में 7th प्लेस पर है। टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। तो अब बात करते हैं मैच नंबर 15 के एनालिसिस की। तो वेदर रिपोर्ट की और बात करते हैं, तो मैच के लिए वेदर ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा, ह्यूमिडिटी 32% रहेगा और टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। विनिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 68% है और सेकेंड बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 26% है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का 159 है और एवरेज सेकेंड इनिंग का 141 है। अब बात करते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड लास्ट 5 मैच में। तो मेलबोर्न रेनेगेड्स का 0 है, पर्थ स्कॉर्चर्स का 4 है और एक मैच कैंसिल हो गया था। मेलबोर्न रेनेगेड्स आउट एनालिसिस की बात करें तो टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं और 3 में उससे हार मिली है, एक मैच कैंसिल हुआ था। तो अब तक टीम का खाता नहीं खुला है। तो टीम को यहां अपने पहले मैच की तलाश है जीत में। तो लास्ट गेम में टीम ने 183 रन बनाए थे, लेकिन टीम टारगेट सेव नहीं कर पाई। ओपनिंग में कैप्टन डिक कॉक एंड जॉय क्लर्क की जोड़ी लास्ट मैच में हिट थी, दोनों ने 38 रन बनाए थे। तो एरोन फिंच भी फ्लॉप चल रहे हैं। तो ऑलराउंडर विल सुदरलैंड टीम के प्लस पॉइंट है। टॉम रॉजर्स ने 2 विकेट लिए थे और टीम की स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसमें मुजीब उर रहमान एंड अदम जंपा है। बात करें टीम प्लेइंग 11 की तो डी कॉक है, जॉय क्लर्क, जैक फ्रेश, निक मैडिसन, फिंच, वेल्स, विल सुदरलैंड, टॉम रॉजर्स, मुजीब उर रहमान, अदम जंपा, केन रिचर्डसन। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की, तो जैक फ्रेशर जो कि बैटर है, जिसे मैच 4 में रन 103 था और एवरेज 25.2 था। जोनाथन वेल्स का है, जो कि वो ऑलराउंडर है, मैच 3 में रन उनका 120 और एवरेज 40 था। अडम जंपा जो कि बॉलर है, मैच 4 में विकेट 3 और इकोनॉमी 8.11। पर्थ स्कॉर्चर्स और एनालिसिस की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स BBL 12 के चैंपियन है। टीम ने लगातार 2 गेम में जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया है और टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और टेबल में 3rd पर हैं और टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर ही 172 रन चेस कर लिए थे। ओपनिंग में जैक क्रूअली लास्ट गेम में वो 65 रन बनाकर टारगेट चेस किया था। यंग बैटर एरोन हार्डी ने नंबर 3 पर है, वो उसने 85 रन की बेस्ट इनिंग खेली थी और टीम की बैट बॉलिंग लास्ट मैच में बेस्ट थी। टीम के टॉप परफॉर्मर जोसन बैरन रूफ, जिन्होंने 4 विकेट लिए, और ऑलराउंडर एंड्रयू डॉटॉय टीम के एक्स फैक्टर हैं। अब टीम के प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं तो जैक क्रूअली हैं, कॉपर कॉन नॉली, एरोन हार्डी, जॉस इंग्लिस, अथम टर्नर, लोई इवेंस, अस्टॉन अगर, एंड्रयू टाई, जाय रिचर्डसन, जोसन बेंड्रॉफ, लेंस मॉरिस। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की, तो एरोन हार्डी ने जो कि बैटर हैं, इनिंग 3 रन 125 और एवरेज 125। जैक क्रूअली का जो कि बैटर हैं, इनिंग 1st रन 65 और एवरेज 65। जेसन बेंड्रॉफ जो कि बॉलर हैं, मैच 2 और विकेट 7 और इकोनॉमी 6.7। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो दोनों टीम के लास्ट परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को देखते हुए इस मैच का विनर पर्थ स्कॉर्चर्स हो सकता है।
तो क्रिकेट से जुड़ी अनेक खबरों को जानने के लिए गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन और टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़।